न्यूज़ क्लिक सिर्फ न्यूज़ क्लिक की बात आज मैं नहीं कर रहा हूँ। पत्रकारिता पे जो हमला पिछले 10-15 साल से हुआ है, कभी नहीं हुआ है। आप लोग सब ने इमरजेंसी देखी है, लेकिन ये एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है जिसमें एक एक करके पूरी इंडिपेंडेंट पत्रकारिता को ख़त्म करके सिर्फ एक पत्रकारिता जिंदा रखनी है, वो है गोदी मीडिया। सबसे पहले तो इन्होंने जो मेनस्ट्रीम मीडिया था उसको अपने कॉरपोरेट मित्रों के द्वारा पूरा अपने कंट्रोल में कर लिया। तब ये सोशल मीडिया को रिडिक्यूल करते थे, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। ये तो कोई नई बात नहीं है, जिस तरह की ये सरकार की शुरू से तरीका रहा है, ये बहुत ही एक जिसे कहना चाहिए इंतज़ार था कि ये अटैक कब होंगे, क्योंकि तो कंटिन्यूसली इसी तरह के लोगों के ऊपर आपने, ये कोई पहला अटैक तो है नहीं, बड़े पैमाने पे है, लेकिन इससे पहले भी आप देख चुके हैं कि जो भी मीडिया हाउस या कोई भी ऐसा जर्नलिस्ट जो सवाल उठाता है, चाहे वो कप्पन हो जिन्होंने आकर के सवाल उठाया, या और ये मनदीप पुनिया हो, उन्होंने सवाल, जो भी लोग अगर आपसे सवाल उठाते हैं तो सबसे आसान ये होता है कि उनको डरा के खामोश कर दो। ये पूरी तौर पर सरकार की एक बहुत बड़ी साजिश है। ये जो 120B लगाया गया है और UAPA पर, हकीकत ये है अगर 120B कहीं भी लगेगा वो सरकार पर ही लगना चाहिए। जब आपने पूरी तहकीकात पहले रेट के बाद कर ली थी, आपको कुछ नहीं मिला, तो अब एक कहानी बना के कह रहे हैं कि ये चाइना से पैसा आ रहा है। अरे चाइना जो जायमी वगैरह जो नाम जैसे हासिया पद उन्होंने चार्जेस लगाए, ये जो फ़ोन कंपनी है उसका भी नाम ले लिया इन्होंने, तो वहाँ से तो आप पहले देखिए कि पीएम केयर्स फंड में कितना पैसा आया है ऐसी कंपनी से, है ना, पर उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब जब इनको ये समझ में आने लगी कि सोशल मीडिया ने बहुत ही अपनी जगह बनाई है, और ख़ास करके जब किसान आंदोलन के टाइम पे मेन मीडिया ने कवर करना बंद कर दिया था, तो सोशल मीडिया के ही छोटे छोटे पोर्टल थे जो वो कवर कर रहे थे, और उन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो अभी पत्रकारिता के, उन्होंने हिम्मत करके वहाँ जाके नए नए काम शुरू किए। तो ये समझ में आया कि सोशल मीडिया भी एक पावरफुल मीडिया है, जिस पावरफुल मीडिया के जरिए से गवर्नमेंट को एक्सपोज भी किया जा सकता है और जनता तक नीचे पहुंचा जा सकता है। तो तब से ये सोशल मीडिया में भी देखने लगे कि किन किन को पकड़ा जाए और करा जाए। मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है कि आप जैसे पत्रकार आधे से ज़्यादा लोग बिना इक्विपमेंट के और काम कर रहे हैं, काम करते आ रहे हैं। ये बहादुरी है, इंडिपेंडेंट पत्रकारिता की बहादुरी है कि आप लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत संजीदगी के साथ और बहुत मेहनत के साथ बहुत ऐसे सवाल पूछ रहे थे जिससे वो बहुत कंफर्टेबल नहीं थे, सरकार कंफर्टेबल नहीं थी, तो उन्होंने इस अटैक को किया है और ये एक शुरुआत है। जिस तरह इन्होंने एक पूरी साजिश बनाया है, अभी मैंने ऑर्गेनाइज़र का वो कॉपी देखा है, उनका फ्रंट पेज है न्यूज़ क्लिक के बारे में, और जिस तरह जहाँ डॉट्स जुड़ते नहीं हैं उन्होंने किस तरह डॉट्स को जोड़ने का प्रयास किया है, ये तो एक कमाल का मैन्युफैक्चरिंग एजेंसी बन गए हैं ये लोग। जाने माने एडिटर्स जैसे एनराम और लोगों ने भी कहा है, स्टेटमेंट दिया है पब्लिक कि हमारा जो फंड एजेंसी थी कि हमारा चाइना सरकार या किसी भी एजेंसी से कोई लेना देना नहीं है, ये हमारा इंडिपेंडेंट फंड है, हमने उसको बेच के जो भी पैसा हमारे पास आया हमने इन्वेस्ट करना चाहा ऐसे अच्छे न्यूज़ चैनल में जो आज़ाद पत्रकारिता करता है, तो ये तो हमारा हक है। पहले कहा जाता था मीडिया के दो चेहरे हैं, एक विजिबल जो आप देखते हो, एक इनविजिबल जो नहीं दिखता है। अब जो इनविजिबल है वो विजिबल होते जा रहा है, एक गवर्नमेंट मीडिया जो कि सब मीडिया को टेक ओवर कर रहा है या डरा के चुप करना चाह रहा है। मकसद तो मीडिया को डराना है, धमकाना है, ताकि केवल एक ही मीडिया दिखाई दे कि मोदी जी ने बहुत अचीवमेंट्स इस देश को दी, और जो क्रिटिक्स है उनका जो असली चेहरा दिखाने वाला मीडिया है वो जनता के बीच में कोई सच नहीं दिखा पाए। इससे स्पष्ट है कि ये एक साजिश है
मीडिया को चुप कराने के लिए, और विशेषकर वो मीडिया जो जनता की बात उठाती है। इस गवर्नमेंट ने ऐसे कोड्स लागू करे हैं, मीडिया पे कह रहे हैं लागू नहीं करे हैं, लेकिन उनके पिछले मंत्री ने के ऑफिस ने पत्रकार की संस्था को लिख के भी दिया कि हमारा इरादा ये है मीडिया के एंटी लेबर कोड्स, और आप लोग के पेपर ने इसके खिलाफ भी करी, लेबर लॉस के अगेंस्ट भी लड़े, एग्रीकल्चर लेंगे, ये टारगेट करा जा रहा है। तो आए बाएं ताए ये हुकूमत जो हर फ्रंट पे फेल हो चुकी है चुनाव जीतना चाहती है, अगर चुनाव जीतना है तो सारी जुबानें इनको बंद करनी पड़ेंगी। मुझे लगता है ये एक बहुत मतलब समर्थन मिला है न्यूज़ क्लिक को, इन्होंने न्यूज़ क्लिक को आइसोलेट करने का प्रयास किया, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया के साथ जुड़े हैं उन्होंने किया, जितने भी लिबरल ओपिनियन भी है हमारे देश का उन्होंने भी बयान दिया। लेफ्ट पार्टीज का बहुत आभारी हूँ और सब पार्टीज का आभारी हूँ जो सपोर्ट में आए हैं, सिर्फ पत्रकारिता इन जनरल के लिए, इंडिपेंडेंट पत्रकार और न्यूज़ क्लिक जो इमीडिएट इशू है, जो बहादुर सिपाही इंडिपेंडेंट पत्रकारिता के लिए लड़ रहे हैं उनको कुचलने, ये डिमांड भी इनकी ये है, इंडिपेंडेंट पत्रकारिता, इमीडिएट प्रोवोकेशन न्यूज़ क्लिक। इसलिए इलेक्शन कमीशन पे पूरा कंट्रोल जताने के बावजूद कर्नाटक हारे, ईवीएम के बावजूद हारे, और कारगिल में जहाँ पे पूरा कंट्रोल था इनका, यूनियन टेरिटरी बनाया था, अब वहाँ पे इलेक्शन हुआ तो 26 में से सिर्फ 2 सीट आई है भाजपा को, तो ये सब सी चीज़ों से घबराए हुए हैं, ये घबराहट की एक निशानी है। दुख की बात ये है कि हमारे वरिष्ठ साथी जो हैं उनको इस तरह से ऐसी चीज़ झेलनी पड़ रही है। 2011-12 जब कोई मीडिया इसको उठाने को तैयार नहीं थी, उस समय न्यूज़ क्लिक ने पहला वो वीडियो बनाया था जिसमें कि FYUP मूवमेंट के खिलाफ जो छात्रों का, शिक्षकों का संघर्ष था उसको दिखाया था। तो मैं तो न्यूज़ क्लिक को इस रूप में सैल्यूट करता हूं कि वो पहले से संघर्ष की आवाज़ को बुलंद करने का काम न्यूज़ क्लिक ने डे 1 से किया था।